अप्पा जी वेलकम बैक। आज अपने नए किचन में अभी तैयारी हो रही किचन की, और हम ले आए इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आए, ऑटो स्टोव लेके आए, और इसको भी चेक करेंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जब भी आबिद मार्केट इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेने जाए तो कोशिश करें कम से कम भी 3 से 4 दुकानों पर लाभ विजिट करें। हमने भी किया, और करने के बाद फिर हमें ये एक वही चीज सेम हमें दूसरी दुकानों से मिली और काफी डिस्काउंट में। अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके इसमें से ऑटोमेटिक स्टॉक निकालेंगे, क्योंकि आजकल हर घर में यही चल रहा है, और हमारे पास दूसरा ओवन भी पड़ा हुआ है लेकिन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको निकालते हैं और चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ इसी होना है फिट, इसमें अभी यहाँ पे ये स्लैब कटेगी, ये स्लैब के अंदर जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि क्योंकि जैसे मैं कोई चीज करता हूँ, मुझे आइडिया होता है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी आप, कल मैं 2-3 चीजें आप मार्केट से लाया हूँ, जब भी आप जाएंगे तो कम से कम भी 3 से 4 दुकानें आप विजिट करें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि इनके प्राइस क्या है। चीजें सेम होती है तो मुझे आइडिया हो गया, तो उसकी वजह से फिर मैंने वहां से ये एक खरीदा, और मुझे आइडिया था कि क्या प्राइस है। ये ग्लॉस में आजकल ग्लॉसी चल रही है तो बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम ग्लॉस में लेके आए हैं, और स्टील और दूसरे पे थे लेकिन हमने ये इसको पसंद किया क्योंकि ये हमारे इन जो सेटअप के साथ मैच हो रहा था। अभी हमारा किचन अनकम्प्लीट है, इसकी वजह से अभी सेटिंग हो रही है। ये अभी पैनल लग चुके हैं, टाइल्स लग चुकी है, अभी छत भी लग चुकी है, और ये हमारा चाइनीज सेटअप हमने यहाँ पे अरेंज किया है। ये सोसेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग जब खाना चाइनीज में जाएंगे तो यहीं से सोसेस लेके उसमें डाल के हम खाएंगे। और पाकिस्तानी फूड्स के लिए मैंने यहाँ पे एक सेटअप बनाना है जहाँ पे पाकिस्तानी फूड्स की चीजें रखी जाएगी, चाइनीज फूड्स की यहाँ रखी जाएगी। अभी अनकम्प्लीट है ये क्योंकि अभी काम हो रहा है, अब ये जब काम कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि घरों में आप किस तरह चाइनीज का एक सेटअप अलहदा कर सकते हैं और पाकिस्तानी फूड का एक सेटअप कैसे कर सकते हैं। और दूसरा जो मैंने एक बनाया सेटअप, वो ये बना हुआ है, यहाँ पे हमने लगना है ऑटो मशीन जो आपके कपड़े वॉश होने के लिए, यहाँ पे नलका भी नष्ट हो चुका है, और ये एक जॉली जिसमें उसका पानी जो है वो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किचन में मशीन, तो ये आने वाले वक्तों में आप देखेंगे हर जगह पे ये सिस्टम चलने लगा है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मिलते हैं, और कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे वीडियोस देंगे जिसमें आपको ये सारे आइडियाज देंगे इंशाल्लाह।